मेरे प्यारे भाई बंधु, जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि हमारे प्यारे, बहुत ही प्यारे, दिल के प्यारे सतन शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके जाने का दर्द हम पिछले कई दिनों से झेल रहे हैं। हमने उनकी याद में उनकी खास बातों को लेकर कई वीडियो बनाए और कई लोगों की नाराज़गी झेली। बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से अच्छा नहीं कहा, पर हमारा जो उनसे दिली जुड़ाव था उसके तहत हमारी मजबूरी थी, कहो हमारे दिल की मजबूरी थी कि अपने दिल की शांति के लिए मैं उनको इस तरीके से याद करूं और इस तरीके से दुनिया के समक्ष बताऊं कि दुनिया को ही पता चले जो नहीं जानते थे कि कितने प्यारे थे और कैसे व्यक्तित्व के धन्य थे हमारे प्यारे सत्येंद्र शर्मा जी। आज हम उनको उनके बारे में एक सूचना कहिए, एक जानकारी कहिए, एक ख़ास बात कहिए बताने जा रहा हूं कि जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है उसके मुताबिक तकरीबन 12 दिन के बाद कर्मकांड के अंतर्गत कुछ क्रियाएं की जाती हैं और ये माना जाता है कि इस दिन आत्मा सदा के लिए अपना परिवार का मोह, अपने प्यारों का मोह, इस धरती का मोह तोड़कर परमात्मा के शरण में चली जाती है। तो एक वो तिथि हमारे प्यारे के लिए 29 तारीख को आ रही है, जो खुद साक्षी वाहन ने बताया है, और उस दिन हम चाहते हैं कि हम अपने प्यारे को एक निर्धारित समय पर जहाँ भी लोग जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके हैं, जिन्होंने उनको जाना है, अगर इच्छा हो तो एक समय पर हम सब मिलकर उनके आत्मा के शांति और ईश्वर के समक्ष जब वो आत्मा मिलन को जाए तो ईश्वर हमारे कामनाओं के हिसाब से उनको अपना स्थान प्रदान करें। तो मैंने विचार किया है और मैं करूँगा कि 29 तारीख को 4:30 बजे हम अपने इष्ट को याद कर 2 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से कामना करें कि जो उनके कर्म रहे, जो प्यार उन्होंने दुनिया को बांटा, उस कर्म के मुताबिक उससे बढ़ चढ़ कर हमारे प्यारे को वो अपना इनाम दे, अपना प्यार दे और उनको स्थान दे। तो आइए एक झलक देख लेते हैं प्यारे सत्येंद्र शर्मा जी के जीवन को कि क्या सोच रही उनकी, कहाँ से बदली सोच और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो हम लोगों को हंसाते हुए, हम लोगों का प्यार पाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, पर एक COVID-19 संक्रमण के शिकार हुए और कैलाश हॉस्पिटल जो देहरादून में है वहाँ पर इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। शर्मा जी दिल्ली के रहने वाले थे और पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी खासी थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे किसी कंपनी में, अच्छे खासे पेमेंट थे उनके, पर वहाँ मन ना लगा, जीना लगा, बेचैन थे, पता नहीं ईश्वर मिलन को बेचैन थे या क्या था, शायद खुलकर वो कह भी ना पाए, पर अंत में उन्होंने कहा, एक जो भी कहा उसमें से पता चला कि शायद वो ईश्वर को भी देख लेना चाहते थे, ईश्वर से मिल लेना भी चाहते थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी, ऋषिकेश का कई बार यात्रा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ऋषिकेश उनके लिए उपयुक्त स्थल है और ऋषिकेश में उन्होंने अपना वास स्थान बनाया। गंगा के तट पर उनका समय बीतता था, पहाड़ झाड़ी सड़कों पर घूमते थे, दिनचर्या उनकी काफ़ी अच्छी थी, मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल किया करते थे और वही दृश्य जो
दिन भर घूमने फिरने का या संध्याकालीन जब वो बैठते थे गंगा के तट पर, माँ गंगा के तट पर, तो वो दृश्य दिखाते थे, उस बीच बात करते थे, और उस बात उन बातों में हम लोगों के लिए जो कुछ खास बात होता था शर्मा जी वो भी बताया करते थे। तो शर्मा जी बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी थे, और ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को ईश्वर ज़्यादा आयु देकर नहीं भेजता, और जो उनका समय होता है उस पर उनको वापस जाना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर अपने दिल के टुकड़े को ही धरती पर भेजता है जो अच्छे होते हैं। और उनकी उनकी जो कमी ईश्वर के पास पर जाती है ना, तो ईश्वर शायद उसको जल्द ही बुलाते हैं। इसलिए हम अपने पीछे के इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे लोग हमारे बीच आए हैं उनकी उम्र औसतन कम ही रही है। तो शर्मा जी उन्हीं लोगों में से एक थे जिनकी भी आयु शायद ईश्वर ने कम रखी थी, और वो हमारे बीच से जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस यही कहना था कि 4:30 बजे 29 तारीख को, जिस दिन कर्मकांडों के मुताबिक आत्मा परमात्मा मिलन को अंतिम रूप में जाएगी, हम 4:30 बजे अपने इष्ट को याद कर 2 मिनट का मौन आत्मा शर्मा जी के श्रद्धांजलि हेतु अगर दे सकते हैं तो दें, और कामना करें कि ईश्वर उनको बेहतर से बेहतर अवसर जीवन, अगर और भी जन्म लेते हैं तो जीवन जीने का प्रदान करें। वैसे साक्षी वाहन का जो परिवार है, शर्मा जी की पत्नी है साक्षी वाहन, तो उनका परिवार है, अभी तो सभी लोग दुख से भरे हुए हैं। 29 तारीख के कार्यक्रम के बाद बहन ने कहा है कि फिर से वो आएंगी और अपने चैनल एंजॉय लाइक लोकल और दूसरे चैनल पर आपसे बात करेंगे, और किसी तरीके के सहयोग की अगर मनसा रखती हैं हमारी बहन तो हमारा काम है कि इस अवसर पर हम अपनी बहन को थोड़ा सहायता करने की कोशिश करें, ताकि हमारी बहन के चेहरे पर हमारे प्यार से थोड़ा मुस्कान आ पाए। तो प्यारे बंधु, यदि संभव हो सके तो हम 29 तारीख को 4:30 बजे एक साथ जो भी चाहने वाले हैं, जहाँ भी रह रहे हों, 2 मिनट का मौन रखें, ईश्वर से कामना करें कि हमारे प्यारे स्वतंत्र जी को अधिक से अधिक बेहतर स्थान प्राप्त करें, और उसके बाद की जो भी बातें होंगी साक्षी बहन खुद ही आकर बताएंगी और फिर आप सुनेंगे। तो आज का वीडियो वो यही करते हैं समाप्त, और 29 तारीख के बाद साक्षी बहन के आने वाले वीडियो का करेंगे इंतज़ार। तो अगर संभव हो तो हम अंतिम श्रद्धांजलि 29 तारीख को 4:30 बजे अपने प्यारे चेतन शर्मा जी को दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।